तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गोडजिला और कोंग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गोडजिला कोंग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था। और बस उसी दिन के बाद गोडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया, किसी ने नहीं देखा उसे। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें काइलैंड को देखते हैं जो कि कोंग का घर था असल में। और यहां पर हम देखते हैं कि कोंग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद कोंग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कोंग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी थे और कोंग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हम कोंग को बहुत ज्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कोंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को खेड़ कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कोंग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गोडजिला फिर से वहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटंस एक दूसरे को फील कर सकते हैं तो कहीं ये दोबारा से न लड़ पड़े। अब क्योंकि कोंग पहले से काफी बड़ा हो गया था साइज में, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि उसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक मशीन्स, रोबोट्स एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए, इसीलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये गोडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गोडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गोडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गोडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है, और गोडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गोडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। यानी पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो अग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ऑनर न्यूज में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि जिससे गोडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गोडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गोडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो इस न्यूज को सिर्फ एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गोडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गोडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारी क्रिएचर्स, ये सारे टाइटंस इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गोडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गोडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बात पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गोडजिला अग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का ऑनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम हॉलो अर्थ है, ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि हॉलो अर्थ आखिर एग्जिस्ट कहाँ पर करती है। हॉलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं और सेम उसी तरह हॉलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी लेते हैं, और अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गोडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है, जिस पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ऑनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से
हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें एक कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं, और ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए, और उसका घर होलो अर्थ है क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते, और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडज़िला उस पर अटैक कर देगा, इसीलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। अब थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चेन से बांध कर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडज़िला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडज़िला को पता न चल पाए, जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि जी हाँ बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि गॉडज़िला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसिन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडज़िला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाले शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडज़िला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि अब क्योंकि गॉडज़िला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडज़िला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडज़िला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडज़िला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडज़िला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गॉडज़िला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों की प्लेन्स होते हैं गॉडज़िला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है, और अब गॉडज़िला कॉन्ग वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडज़िला उन लोगों की सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडज़िला उनकी शिप को पलट देता है, जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडज़िला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर गॉडज़िला और कॉन्ग की ग्रेट फॉर होती है जिससे कॉन्ग गॉडज़िला को समंदर में काफी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके, लेकिन गॉडज़िला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। और यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुँच जाता है जहाँ पर गॉडज़िला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडज़िला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडज़िला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडज़िला को मारता है और गॉडज़िला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गॉडज़िला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडज़िला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडज़िला कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडज़िला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडज़िला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडज़िला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं जिससे होता ये है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन सारी मशीन को शट डाउन कर दो ताकि गॉडज़िला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं, और तब ये लोग सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडज़िला कॉन्ग को गुस्से में दिखता है और फिर वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडज़िला हमें फिर से फील करके हम लोगों पर अटैक कर देगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है जिस पर गॉडज़िला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहां पर उन लोगों को एक काफी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहां ये लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडों समेत काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग को कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहां पर जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहां पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहां पर है, आप जैसे और भी क्रिएचर्स हैं वहां पर। और यहां पर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है और यहां पर कॉन्ग उस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है।
और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी। अब क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी, इसीलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे। और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कोंग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कोंग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कोंग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडज़िला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडज़िला बनाया है और इस नए गॉडज़िला का नाम होता है मेगा गॉडज़िला। और इस मेगा गॉडज़िला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। मेगा गॉडज़िला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडज़िला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि उन्हें मेगा गॉडज़िला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि कंपनी का ऑनर उस एनर्जी सोर्स उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडज़िला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडज़िला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडज़िला के जिंदा होते ही गॉडज़िला उसे फील कर लेता है और इसीलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मेगा गॉडज़िला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कोंग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से धाड़ता है। कोंग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि ये गॉडज़िला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कोंग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह। गॉडज़िला जो कि हांगकांग पहुँच गया था और अब वो मेगा गॉडज़िला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कोंग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है और चार्ज होने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडज़िला को ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडज़िला अपने न्यूक्लियर पावर जमीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कोंग के पास पहुँच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ऑनर उन लोगों के साथ ट्रिक करती है, वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडज़िला को एक्टिवेट कर दें। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। और जब उस लड़की को रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडज़िला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी कोंग उसकी कार को पकड़ कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कोंग अपना एक्स लेकर गॉडज़िला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडज़िला ने कोंग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कोंग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कोंग गॉडज़िला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडज़िला कोंग को नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडज़िला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कोंग अपनी एक्स से गॉडज़िला पर अटैक करके उसे इंजर्ट कर देता है, जिससे गॉडज़िला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कोंग को दूर फेंकता है, लेकिन कोंग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडज़िला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए कोंग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडज़िला कोंग को इंजर्ट करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी चेस्ट पर पैर रख के जोर से धाड़ने लगता है। उसे देखकर कोंग भी जोर से धाड़ने लगता है और तभी गॉडज़िला कोंग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ऑनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिसके जरिए वो मेगा गॉडज़िला को जगा दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडज़िला गॉडज़िला से काफी पावरफुल है और उससे साइज में काफी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडज़िला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसीलिए मेगा गॉडज़िला सबसे पहले कंपनी के ऑनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडज़िला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडज़िला जब मेगा गॉडज़िला को देखता है तो वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडज़िला काफी पावरफुल था, इसीलिए गॉडज़िला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडज़िला गॉडज़िला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडज़िला की पावर्स को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोर्ड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कोंग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था और उसकी हालत काफी खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची कोंग की हार्टबीट सुनती है तो सबको बताती है कि कोंग की हार्टबीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कोंग को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और ये लोग कोंग को शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कोंग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कोंग को कहती है कि देखो गॉडज़िला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसीलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कोंग
गोडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गोडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कोंग आ जाता है और कोंग यहाँ पर गोडजिला को बचा लेता है। गोडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कोंग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गोडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कोंग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन कोंग फिर भी उस एक्स से मेगा गोडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गोडजिला कोंग को मारता है और वो कोंग को बस मारने ही वाला होता है कि तभी कोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसिन और उस हैकर से वो मशीन बन नहीं हो रही थी जिससे मेगा गोडजिला की पावर्स को कम किया जाए, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पानी डाल देते हैं जिससे मेगा गोडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर गोडजिला अपने न्यूक्लियर पावर के जरिए कोंग के उस एक्स को चार्ज कर देता है और अब कोंग के पास पावर आ चुकी थी, इसीलिए वो मेगा गोडजिला को तबाह बर्बाद करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गोडजिला का सर भी उखेड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गोडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गोडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कोंग भी अपनी एक्स लेकर गोडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी इसीलिए वो नहीं लड़ते। गोडजिला वापस समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था, और जबकि कोंग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ में चला गया है और कोंग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।